मेरा ये काम है, लेकिन सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम है। इसीलिए थोड़ी देर के बाद मैं नाम की सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर सच्चाई जानना जरूरी है। हम अब तक जो जानते हैं 99% क्या है, वो झूठ नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वो छोटे नहीं है। सिर्फ उनको भी नहीं मालूम था, इसीलिए वो बता दी। अगर उनको मालूम होता ना तो सही बताते, लेकिन उनको नहीं मालूम था। आप ऐसे किसी को पूछ के आपका नाम रखे क्या? आपको कैसा मालूम है आपका नाम? मुझको भी नहीं पूछे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम मुझे नहीं मालूम क्यों है, लेकिन इतना मालूम है कि कुछ लोग मेरे को उस नाम से जानते हैं बस। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि अगर मेरा नाम ये नहीं होता, कुछ और होता, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका ये नाम नहीं होता, कुछ और होता, तो कुछ फर्क पड़ता। सूरज नहीं निकलता, बारिश नहीं होती, फसलें नहीं होती, क्या होता, क्या हो जाता अगर आपको ये नाम नहीं होता? क्या होता? कुछ होता, कुछ नहीं होता। तो नाम कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप अपने आप को जोराम से जानते हैं। वो एक क्या है, जब हम फॉल्स मान लेते हैं तो हमें फॉल्स फूड में रहते हैं कि हम जो जानते हैं मालूम नहीं कि क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ ऐसा क्यों होगा, और आइंदा में हमारे साथ क्या होने वाला है, नोबडी नोस। लेकिन जहनों पे एक बोझ रहता ना, अब तक जितना हुआ उतना ही हुआ तो बस है, कहीं अगर इसी से बुरा हुआ तो। लेकिन जब हम इससे निकल जाएंगे उसके बाद सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि हम हर होने वाली चीज पे हम कंट्रोल करेंगे। हर होने वाली चीज पे हमारा कंट्रोल होगा, हमारा काबू होगा। अब तक कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, काबू में नहीं है। जो मैथ्स में 99% लाए, फिजिक्स में 100% लाए, ओवरऑल 99% लाए, जब प्रेशर आता है उनके ऊपर तो मैथ्स काम आता, साइंस काम आती, सोशल साइंस काम आती, कुछ काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको इस वक्त लगता है चीजें ये सब जाने के बाद भी मेरे कंट्रोल में नहीं। लेकिन अगर आप वर्क नहीं भी जानते और चीजें आपके कंट्रोल में होती तो आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस चीज के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ मैं साइंस सोशल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे। चलिए, मुझे मालूम है आप सब जिंदगी के बहुत बड़े योगदान हैं, बहुत मदद करते हैं उसकी। लेकिन एनीबॉडी कोई भी ये बताइए कि जिंदगी क्या है? व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है? आगे लिखिए। नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं लिखिए। अभी दो मिनट का टाइम दूंगा कि आप जिंदगी की आपके पास क्या तारीफ है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ, जिसको बोलना है यहाँ आके लिखिए।
क्या है जिंदगी? उर्दू में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख के इंग्लिश में लिखे। इनके बाद नेक्स्ट चलिए बाद में हम इसको जो है तोहफे को खोलेंगे। अंदर अंदर कुछ है या खाली पैकिंग है? We'll unfold it. खुदा जो देता है वो अनमोल ही हो सकता है, इसीलिए हम मान लेना है कि अनमोल ही होगी, लेकिन है क्या? जिंदगी है क्या?
देखिए आप एंजॉय कीजिए या मत कीजिए, ये जिंदगी है क्या? बिजनेस लाइफ आपके पास जिंदगी की अगर क्लियर डेफिनेशन नहीं है, आपके भी जिंदगी के बारे में क्लियर डेफिनेशन नहीं है, तो आप जिंदा है, सही है? जिंदा है का मतलब क्या है? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जिंदा जो आईसीयू में है, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, वेंटिलेटर पे है, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, हिला रहे, बस होश में नहीं है, क्या उसको मुर्दा बोलते हैं? वो क्यों क्या है? लेकिन क्या आप उससे भागने, दौड़ने, करने, जिंदगी के किसी कामों में शामिल है वो? नहीं होने के बावजूद भी क्या है? क्योंकि उसका अभी तक डेथ सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुआ, वो भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ। तो सिर्फ जिंदा रहने में और जिंदगी में फर्क है या नहीं? हमें साथ चल रही है, हम जिंदा है, हम चल भी रहे हैं, हम जिंदा है, बिकॉज वी आर सर्वाइविंग, हम जिंदा है, मरे नहीं है, लेकिन आर वी लिविंग? लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स पे देखे तो लिविंग थिंग्स में हमारा शुमार होता है, लेकिन लिविंग थिंग्स में अगर हम देखे तो हम कौन से स्टेज में है? सर्वाइवल में, यानी सर्वाइवल मतलब आईसीयू में पड़े हुए इंसान को जिंदा ही बोला जाता है, उसको डिस्चार्ज नहीं किसी और हॉस्पिटल में ले जा सकते, काम नहीं देगा। तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें हैं, सर्वाइवल के लिए कुछ चीजें हैं, लिविंग के लिए कुछ चीजें हैं, जो कुछ डिमांड्स है वो डिमांड पूरे हो रहे हैं, यानी ये कहा था लिबास शेल्टर इलाज नींद, फिर बॉडी अपना काम कर रही है, ये लिबास से सर्दी और गर्मी से बॉडी को जो है प्रोटेक्शन मिल रहा है, खाने से, पानी से, दवाओं से जिसम ग्रो हो रहा है और खाना हजम हो रहा है, खून बन रहा है, पूरे पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसके जो प्रोसेस है वो हो रहे हैं, जिंदगी का जो डिमांड है जब वो पूरा हो रहा है, हम उसको जानते ही नहीं, अब सिर्फ ये जानते हैं क्या हम, क्या हम ये जानते हैं कि ये क्या है? जब तक हम इसको नहीं जाने और जिंदगी शुरू नहीं, पैदा हो जाने का नाम जिंदगी नहीं है, पैदा हो जाने का नाम जिंदगी नहीं है, और अफसोस इस बात का है कि बहुत सारे लोग बगैर जिंदा रहे मर जाते हैं, बगैर जिंदा रहे मर रहे हैं, अरे जिंदा रह के तो मर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पैदा होने और मरने के बीच में जो है उनकी जिंदगी कभी दिखती नहीं, कभी महसूस ही नहीं होता कि जिंदगी मिली। एक प्लेयर था, बहुत क्रिकेट खेलता था, उसको पूछे कि भाई आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं? जब देखो जब क्रिकेट सुबह क्रिकेट, दोपहर क्रिकेट, शाम क्रिकेट, संडे क्रिकेट, मंडे मंडे क्रिकेट, तो बोला यार इससे कलाई मजबूत होती है, क्या मजबूत होती है? कलाई मजबूत होती है, तो क्रिकेट खेलने से कलाई मजबूत होती है, उसको पूछे कि अच्छी बात है कलाई मजबूत करके क्या करते हैं? तो बोला कलाई मजबूत करके क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेल के कलाई मजबूत करना है, कलाई मजबूत करके क्या करना है? क्रिकेट खेलना है। तो आइए इसको देखते हैं कि सर्वाइविंग में हम कैसा क्रिकेट खेलते हैं।
जिंदा रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? हवा, पानी, ऑक्सीजन। तो ठीक है, जो जो भी आपको मालूम है कि जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, नीड्स चाहिए, यानी कि जरूरियात से हम जिंदा रहते हैं। ठीक है, हम जरूरियात पूरी करके जिंदा रहते हैं। जिंदा क्यों रहते हैं? जरूरियात पूरी करने के लिए। समझ में आ गया? क्रिकेट खेल के कलाई मजबूत करते हैं, कलाई मजबूत क्या करते हैं? आप जरूरियात से जिंदगी को कायम रखते हैं, और जिंदगी क्यों कायम रखते हैं? कौन जिंदा है? अब आइए इसको क्या हो गया, ये लिविंग वॉट, अभी क्या हो रहा है? लिविंग और आपको जरूरत पूरी करना है, जरूरत कैसे पूरी करना है? जिंदा रहना, जिंदा क्यों रहना, जरूरत पूरी करना है। तो बीच में कुछ है, आइए इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। जरूरियात यानी कि नीड्स, ठीक है, जरूरियात से हम जिंदा है, जरूरियात से हम जिंदा है, जरूरत अलग पूरी करने का जिंदा नहीं है। तो यहाँ पर जिंदा रहना ज्यादा है भाई या जरूरियात ज्यादा है? अगर आप में से किसी को या मुझको इसमें कुछ कम कर लेना पड़े तो हम इसमें से कोई चीज कम कर ले सकते हैं या इसको कम कर ले सकते हैं? जरूरियात में से कुछ, तो इसका मतलब है कि जरूरियात से ज्यादा अहम जिंदगी है। तो जरूरियात जिंदा रहने के लिए है, जिंदगी कायम रखने के लिए है। तो जिंदा रहने के लिए है, तो जिंदा क्यों रहना है? अगर यहाँ पर फिर वही आ गया जरूरियात, तो इसका मतलब क्या निकलता है मालूम? ये कम अहम है, ये उससे ज्यादा अहम है, उसके बाद वाली चीज सबसे अहम होना चाहिए। मतलब इसके मुकाबले में हम इसमें से कोई चीज छोड़ सकते हैं ना, तो यहाँ पर इतनी अहम चीज होना चाहिए कि हम इसके लिए ये भी छोड़ सके और ये भी छोड़ सके। तो यहाँ क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? पर्पस ऑफ लाइफ, इज देयर एनी क्लियर पर्पस? कोई बात है मकसद है जिंदगी में? कोई जिंदगी में वाज़े मकसद है? मैं नहीं है नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कहीं से भी तवज्जो नहीं दिलाई और मरने तक कोई तवज्जो दिलाने वाला नहीं। वजह ये है कि हमारे अतराब सारे ही लोग जिंदा हैं, सारे ही लोग जिंदा हैं, हम भी उनके साथ जिंदा हैं, लेकिन कोई जिंदा रहने के साथ जिंदगी में इन्वॉल्व है
दाखिल है, शामिल है, उससे ज़िंदगी के काम हो रहे हैं, तो वो उस इंसान को हमारी सोसाइटी कबूल नहीं करती, हमारी सोसाइटी उसको कबूल नहीं करती, क्योंकि उनके एवरेज से वो अबोव सोचने लगे, अब वो एवरेज हो गया, इसीलिए उसको कहते हैं कि छोटे हो जाओ नहीं तो बाहर आओ। तो जरूरियात की कोई लिमिट है? तो हम जितना दौड़ते जाएंगे हमारी पूरी जिंदगी में हमारे जरूरियात के लिए कम हो जाएगी, क्योंकि जरूरी प्लीज बात मत की, क्योंकि हम जरूरियात का नेसेसिटीज का नीड्स का लेवल हम तय नहीं करते हैं। कौन तय करता है? कौन तय करता है? आप किसी फंक्शन में सिर्फ एक दफा पहना हुआ 5,000, 7,000, 8,000 का जोड़ा पहन के दूसरे फंक्शन में इसलिए नहीं जाते, क्योंकि वहां पे 400 में से 4 वो होंगे जो आपको ये साड़ी या ये सूट पहन के देखे हुए होंगे। तो आप दिन के लिए वो 8,000 का सूट दोबारा पहनना पसंद नहीं करते, तो लोग कभी आपका कभी आपको सेटिस्फाई होने नहीं देंगे, होने देंगे? अगर आप एक से दो दफा पहन लिए तो क्या हो गया आपके? क्या होंगी? जोर से बोलिए, बेइज्जती हो गया। अगर वो बेइज्जती आप सीख गए तो जिंदगी आसान होगी, मुश्किल होगी? बस वही आसानी में सिखाने के लिए आई लाइक योर आई टेक योर लाइक इजी। डोंट थिंक टू रन आफ्टर मनी, आफ्टर पैशन, आफ्टर पीपल्स ओपिनियन, व्हाट दे से अबाउट यू, क्योंकि आपके रिसोर्सेस पूरे हैं उन लोगों को खुश करने में जाएंगे जो सब करने के बाद भी फिर भी आपको बोल देंगे आप तुमसे खुश नहीं है। तो आज आपको जान लेना जरूरी है ना, ताकि मालूम हो के 25 साल के बाद ही ये जो है वो हमारा दिल छोड़ने वाले हैं, जहाँ दिल जोड़ने का भी आज आपको बेइज्जती सहना सीखे। Are you ready? Yes, sir. तो मेरे पास ट्रेनिंग में छुई मुई लोग नहीं बैठ सकते, इसीलिए बोलता हूँ कि बीपी, थायराइड, हाइपरटेंशन वाले या तो मेडिसिन लेने बैठे या एम्बुलेंस वर्क से बैठे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर एक फॉर्म डिसीजन लेना पड़ता है कि आप एक सूट कितनी दफा पहने काबिल हो जाए लोगों ने मालूम है उनको पहन के आने वाले और आपको देखते बोलेंगे कि हाँ पहनने क्या गए यूनिफॉर्म और आप बोलेंगे यस, जैसा कि आपको कुछ हुआ ही नहीं और आप फिर 15वीं दफा 16वीं दफा 17वीं दफा वही सूट पहनने के लिए एडवांस करके आ रहे। पैसे किसके बचेंगे? किसके काम आएंगे? पैसों का ज्यादा हमदर कौन है? जिन्हों मेहनत कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको परेशानी है, डर है नहीं है? तो क्यों ना हम अपने हाथ पर, परेशान होना या नहीं होना मेरे हाथ में है, परेशान करना या नहीं करना दूसरों के हाथ में नहीं है। दिस इज सीक्रेट ऑफ द लाइफ। आप लोगों की जिंदगी के बारे में सामना करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक रोज इंडोर हॉल में आपको जिंदगी का सामना करने का मौका मिला। तो मैं जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ, आप समझते हैं कोई भी बड़े प्लेयर को, मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स मैन रहा हूँ, मैं बहुत सारे टीम्स को ट्रेनिंग दिया हूँ, कोई भी प्लेयर को सीधा जाके कभी खेल बोलते नहीं छोड़ते।
इसको इंडोर ट्रेनिंग दी जाती है, इसको कहते हैं कोचिंग इंडोर। जब उसकी प्रैक्टिस से सेटिस्फाई होते हैं उसको बोलते हैं कि नहीं तुम अपोनेंट से जब और सामने की टीम वाले से खेलने के लायक हो गए जाओ ओपन खेलो सबके सामने। तो मैं मेरा एक नाम है जो दिया हुआ नहीं है, मेरा अपना बनाया हुआ है, मैं लाइफ कोच कि मैं जिंदगी सिखाता हूँ, आई एम लाइफ कोच। तो यहाँ पर आपको दो सवाल के अलग अलग जवाब देना पड़ते हैं। जब आपसे ये पूछा जाए कि आपका नाम क्या है तो आप वो नाम बताएं जो दूसरों का दिया हुआ है, जो दूसरों का रखा हुआ। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए तो हु यू आर, तो आपके पास अपना कोई नाम होना चाहिए जिससे आप पहचाने जाएं, जिसमें आप परफेक्ट हो। तो यहाँ पर नाम नहीं, यहाँ पर क्या बता सकते हैं आप? काम बता रहा हूँ। तो आई एम एन आई कोच, और कोच इस वक्त कोच बनता है जब उसकी टीम में खेलने वाले उसको मान लेते हैं कि यस वी विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, यू आर द कोच, यू आर द प्लेयर्स। तो आप लोग कोचिंग के लिए तैयार हैं? Are you ready? Yes. तो हाथ उठाइए कि कौन तैयार है, कौन तैयार नहीं। Because you are left with no option. आपके पास अब कोई अख्तियार नहीं है, आप सारे अख्तियार कोच को देख रहे हैं। वो आपको बोलेगा कि उल्टे खड़े हो जाओ, एक मिनट पे खड़े हो जाओ, गलाटी मारो, रनिंग करो, सब आपको जो है करना पड़ेगा। तो आर यू रेडी? एक फुटबॉल ग्राउंड है कोई भी, उसमें दो टीम्स खेल रही है, सही है। तो गैलरी में जो है 50, 60, 70,000 जो ग्राउंड है वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? देख रहा है। अचानक एक प्लेयर का जो है गिर गया, उसको इंजरी हो गई, जख्मी हो गया, तो ऑडियंस देखने वालों में से कोई भी आगे बोल सकता है कि उसकी जगह मैं करता हूँ, उसको छोड़ देते खेलने के लिए? क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि वो उस चीज से नहीं गुजरा जिसका नाम तो वो गैलरी में बैठ के आप कितना ही खेलने का दावा करें, आप ये बोलेंगे वो अच्छा खेलना था, उन्हें वैसा नहीं वैसा खेलना था, तो उसके बोलने का फायदा है? जो पिच में है, जो फील्ड में है वो लोग ही, और जो उसको रिप्लेस कर सकते हैं वो लोग अंदर प्लेटफॉर्म में बैठे हुए होते हैं। 16 नंबर वाले को निकाल के बहुत 42 नंबर वाले को अंदर इन्वेस्ट करने में इसकी जगह तुम खेलो, ये तो ये कौन तय करता है? क्योंकि उसको मालूम है कौन सा प्लेयर को किस ग्रेड से रिप्लेस करना है और कौन सा प्लेयर थक गया तो उसको निकाल के कौन से प्लेयर को उसकी जगह फ्रेश। तो इस वक्त हम लोग गैलरी में बैठे हुए हैं, तो बड़ी सोसाइटी क्या है, क्या है गैलरी है, देखने वाले हैं तमाशा। लेकिन आप लोग कहाँ पर हैं? आप लोग कहाँ पर हैं? चेंज रूम स्टेडियम के नीचे सीलर में उस जगह को कहते हैं जहाँ पर कोच सबको रिसेप्शन देता है कि तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, वहाँ पर कुछ बोर्ड होता है वो डाल के बताता है कि जो है डाल के बताता है बैंकर यहाँ रहेगा, किंग यहाँ रहेगा, वो यहाँ रहेगा, तुम पैसा किसको पैसे पास करोगे, किसको ऐसा पास करोगे,
वो पहले इंस्ट्रक्शन देता है कहाँ पर, चेंज रूम में, वहाँ पर यहाँ पर जाकर वो लोग अपने नॉर्मल कपड़े या जो भी ट्रैक सूट पहन के आए हैं घर से वो निकाल के अंदर वार्म अप करते हैं। उसके बाद जाके हर टीम अपना ड्रेस पहनती है, हर टीम का ड्रेस होता नहीं होता, तो वो चेंज रूम उसको बोलते हैं जहाँ पर वो लोग अपने अपने खेल के कपड़े पहनते हैं जिनको दुनिया के सामने डिमोन्स्ट्रेट करना आए थे, अब हम रियल खेल के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग इस वक्त कहाँ हैं, चेंज रूम में। चेंज रूम का मतलब ये है कि यू हैव टू ब्रिंग द चेंज, यू हैव टू ब्रिंग द चेंज एंड व्हाट चेंज यू वांट टू ब्रिंग, इट मस्ट बी ठीक है। आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर चेंजिंग रूम में है और हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं, व्हाट वी वांट, व्हाट टाइप ऑफ चेंज वी वांट, कि हम जाके दोबारा ये क्राउड में शामिल हो जाएंगे तो फिर यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। आप सब पैदा होने से लेके अब तक यहाँ कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, हाथ उठाइए, कोई बीजी है, ग्रेजुएट है, बहुत सारे ठीक है। ग्रेजुएशन तक कितने साल पढ़ाई में लगते हैं, चलिए नर्सरी छोड़ देते हैं, एलकेजी यूकेजी प्लस टू प्लस थ्री फोर फाइव प्लस टू एक ग्रेजुएट कितने साल में ग्रेजुएट बनता है, 16 टू 18 ठीक है, अगर एलकेजी और नर्सरी में नहीं गया तो। चलिए क्या क्या आप लोग पढ़े हैं सब्जेक्ट बताइए, इंग्लिश बारे में पूरा जान लिया, जमीन के अंदर क्या क्या है सब,
स्पेस में क्या है, फजा में क्या है सब जान लिया है, और आसमान में क्या है, तो जमीन से आसमान तक हम हर चीज जान गए। तो हमको पूरी चीजों के बारे में सिखा दिया गया, इतने सालों में हमको रिच कर दिया गया, सही है। तो हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं, यहाँ तक कि हम इतना भी जानते हैं जहाँ हम जमीन जमीन पे गए नहीं, जहाँ कभी कदम नहीं रखे, हमको ये भी मालूम है कि अमेरिका का सदर कौन है, कौन है, हम वहाँ कभी गए नहीं, लेकिन हमको ये मालूम है कि वहाँ का सदर कौन है, ये भी मालूम है कि वहाँ का इससे पहले सदर कौन था, कभी हम आ गए। इसका मतलब पूरी जमीन के बारे में हमको मालूम है, कहाँ पे बुलेट ट्रेन कहाँ बनती है, बुलेट ट्रेन जापान मालूम है, सैमसंग ब्रांड कहाँ का है, सियोल कोरिया, सबको मालूम है, सही है ना। नेशनल पैनासोनिक जापान का ब्रांड है, सारी दुनिया में क्या क्या है हमको सब मालूम है, और ये भी मालूम है कि सोलर सिस्टम का प्लैनेट कौन सा है, स्टार कौन सा है उसका, हम जिसको देख सकते हैं उसमें से कौन सा स्टार सोलर सिस्टम का है, सन। तो हमको आसमान का भी मालूम है, पूरी जमीन का भी मालूम है, जहां हम नहीं के बारे में मालूम है, तो हम कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं जानते हैं, हम सारी चीजें जानते हैं। तो आपको और क्या जानना, जानना है और कुछ भी नहीं जानना है, क्या करेंगे जानने, क्या करेंगे जानने, क्योंकि जानने के बाद कोई होने वाला है जो आज तक बता रहा है। लेकिन सिर्फ एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इतने सालों में आप कितने टेक्स्ट बुक्स पढ़े, कितने पीरियड्स अटेंड करे, पीरियड्स को रहो हर साल सेम सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक होते थे, नहीं होते थे, इंग्लिश 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 साइंस 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 मैथ मैथ मैथ, और डेली पीरियड होता था साइंस साइंस साइंस, और उसको पढ़ाने वाले भी होते थे टीचर के साथ, सही है। तो डेली बेसिस पे हम हर साल वही सब्जेक्ट, हर दिन वही पीरियड होता था, और हर दिन वो पीरियड में उसी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले होते थे, सही है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतने सारे सालों में क्या आपके नाम का कोई सब्जेक्ट था, आपके नाम की कोई टेक्स्ट बुक किताब थी, आपके बारे में आपको कुछ पढ़ाया बताया लिखाया गया, तो आप सारी दुनिया के बारे में जानते हैं, नहीं जानते किसके बारे में, अपने बारे में नहीं जानते। तो आप सारी दुनिया के बारे में जान गए, नहीं जाने तो किसके बारे में, स्पष्ट कीजिए, आप सारी दुनिया के बारे में नहीं जानते, लेकिन अपने बारे में बहुत कुछ जानते, तो अच्छा होता था, बुरा होता था, अच्छा होता। तो ये क्लास आपको आपके बारे में बताने के लिए, इसे क्लियर क्लियर बोल, ऐसा होता कि ये क्लास क्यों है, ये क्लास किसके लिए है, वो अपने बारे में जानने के लिए है। आपके करीब करीब लोग जो तो यकीनन आपको जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा, और जिंदगी के बारे में आप जो कुछ बताएंगे वो भी आपके नाम के जैसे ही होगा कि दूसरे आपको बताए और आप उसको बताए। जिंदगी क्या है, जिंदगी पानी का बुलबुला है, कौन बोले, कौन बोले के बारे में वही बोल रहा हूँ जो रहा हूँ, जिंदगी पानी का बुलबुला है, जिंदगी एक इम्तिहान, जिंदगी एक मुसीबत है, जिंदगी एक बोल, जिंदगी मदर इंडिया का गाना है, क्या जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि आप कौन है, आपको यकीनन ये भी नहीं मालूम होगा कि जिंदगी क्या है। फर्ज कीजिए
आप सारी दुनिया के बारे में जान गए, कोई 15-20 को मिला के एक नहीं। जिंदगी क्या है? मैं खुद जिंदगी हूँ। आई एम द लाइफ, लाइफ इज मी। मैं हूँ तो जिंदगी है, मैं नहीं होता जिंदगी नहीं है, खत्म। तो जिंदगी क्या है? इसको कितना डट के बोलना पड़ता है ना, है हिम्मत। जिंदगी कौन है? मैं हूँ, मैं ही जिंदगी हूँ। बोलो क्या बोलो। तो जब आप वरीस, वरीस का मतलब क्या है? कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी बेइज्जती हो सकती है। आप 25,000 रुपए का सूट पहन के गए, कह के लिए सबको पसंद आएगा, सही है? और आप बड़ी जान से थोपले थापले के पहन लेते हैं और वहाँ जाते हैं, जिससे आपको तारीफ की तवक्को थी 25,000 रुपए उसको दिमाग में रख के खरीदे थे। मैं बोलता हूँ कि आप सारा डरा था, खरीदे जी बोलते हैं क्या?